यात्रा निकालने के पीछे का क्या मकसद है वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। उत्तराखंड में 24 तारीख को ये परिवर्तन यात्रा शुरू हुई। आज परिवर्तन यात्रा का उत्तराखंड का आखिरी दिन है और पंतनगर में इस परिवर्तन यात्रा का समापन होने जा रहा है। बीच में दो तीन जगह पर हमारे स्वागत पॉइंट और छोटी सभाएं हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो मकसद है परिवर्तन यात्रा का वो मकसद आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये परिवर्तन यात्रा किस लिए निकली है। साथियों, पिछले 40 साल से वामसे समाज में SC ST OBC और माइनॉरिटी को जगाने का काम कर रहा है। बहुत सारे लोग वामसेप को कहते हैं कि वामसेप वाले लोग कार्यक्रम लेते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, करते क्या? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते रहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 40 साल में वामसेप ने किया क्या। साथियों, वामसेप तीन बातों के ऊपर 40 साल में अमल किया और काम किया। पहला बिंदु था कि ये कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन होगा। हम लोगों ने पूरे देश भर में कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। वामसेप ये क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन। कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया? क्योंकि विपरीत परिस्थिति में जो कैडर होता है वो सही निर्णय लेता है और आंदोलन चलाने के लिए प्रशिक्षित और दक्ष लोगों की जरूरत है। इसलिए सबसे पहले वामसेप को कैडराइज ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वामसेप बनने के पहले का एक मिनट का आपको एक इतिहास बता दूं। जब काशीराम जी साहब ने नौकरी छोड़ी, महाराष्ट्र में पुणे में नौकरी में थे, और जब नौकरी छोड़ी तो काशीराम जी साहब दिल्ली आए थे, तब वामसेप बनने का था। और दिल्ली में कुछ अधिकारियों से काशीराम जी मिले और इस बीच में एक प्लानिंग कमीशन का अधिकारी था जिसके साथ काशीराम जी की मुलाकात हुई। उस अधिकारी को काशीराम जी ने पूछा कि आप करते क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं प्लानिंग कमीशन का अधिकारी हूँ। काशीराम जी ने कहा क्या करते हो, तो उस अधिकारी ने कहा कि हम लोग देश का प्लान बनाते हैं। देश का प्लान का मतलब है जनता का प्लान हम लोग बनाते हैं, उनके विकास एवं कल्याण का प्लान बनाते हैं। जब ये बात उस अधिकारी ने काशीराम जी को बताई तो काशीराम जी ने एक सवाल पूछा, कभी आपने समाज का प्लान बनाया है? काशीराम जी ने एक सवाल पूछा, क्या कभी आपने समाज का प्लान बनाया है? तो उस अधिकारी ने जवाब देते हुए कहा, ये समाज का प्लान क्या है? तब काशीराम जी की ये बात ध्यान में आई कि इस मूल निवासी बहुजन समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, इसको अगर समाज के प्लान के बारे में अगर जानकारी नहीं है जो देश का प्लान बना रहा है, अगर ऐसे पढ़े लिखे लोगों को अगर ट्रेनिंग दिया जाए, इनको ऑर्गेनाइज किया जाए, तो ये लोग समाज का भी प्लान बना सकते हैं। इसलिए माननीय काशीराम जी साहब ने वामसेप लड़ झगड़ने के लिए निर्माण नहीं किया। लोग बोलते क्या कर रहे हैं, लड़ झगड़ने के लिए निर्माण नहीं की। वामसेप ये समाज का प्लान बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, जो खास बात आपको बताई। साथियों, इसलिए वामसेप ने इस पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों का एक संगठन खड़ा किया, उसको पहले कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया। देश भर में हमारे प्रशिक्षित और दक्ष लोग कार्य कर रहे हैं। कहीं पर यूनिट्स है, कहीं पर हमारा कोऑर्डिनेटर है, कहीं पर हमारा 100% काम है, लेकिन 550 जिला में वामसेप कार्यरत है। दूसरा, हमने ब्रॉड बेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोगों ने काम किया। ब्रॉड बेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों रखा हम लोगों ने? ब्रॉड बेस का मतलब होता है कि समस्या एक जिला की नहीं है, समस्या पूरे देश की है, तो हमारा संगठन देशव्यापी होना चाहिए। इसके लिए वामसेप ने
40 साल समाज में जाकर मेहनत की और आज संगठन को 31 राज्य का संगठन बनाया, 550 जिला का संगठन बनाया, करीबन 5000 तहसील का संगठन बनाया और करीबन 12000 ब्लॉकों का संगठन बनाया। भारत में 55000 ब्लॉक है, भारत में 7,20,000 गांव है, उनमें से 1.5 लाख गांव का संगठन बाम से बन चुका है और 2014 से करीबन 3-3.5 लाख गांव तक हमारा कोऑर्डिनेशन है। ये ब्रॉडबेस ऑर्गेनाइजेशन का परिणाम है। दूसरा, भारत में एक जाति की समस्या नहीं है, तो भारत में 6,743 जाति की समस्या है। इसलिए बामसेप ने ब्रॉडबेस के अंतर्गत सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम चलाया और आज 6,743 जातियों में से आज 4200 जातियों के लोग इस संगठन में मिलजुल कर काम कर रहे हैं। साथियों, एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जब बामसेप कर्मचारी बुद्धिजीवी लोगों में जब काम करता था तो दुश्मनों को कोई तकलीफ नहीं थी। क्यों? क्योंकि कर्मचारी विद्रोह नहीं कर सकता, अपनी नौकरी बचाने में लगा हुआ, नौकरी का डर रहता है कहीं नौकरी ना चली जाए। कर्मचारी को सिविल कंडक्ट रूल लागू है, कर्मचारी संघर्ष नहीं कर सकता, सिविल कंडक्ट रूल लागू है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जाकर वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन कर्मचारियों को लागू है। तो जब कर्मचारी बुद्धिजीवी लोगों में बामसेप काम करता था तो दुश्मन को तकलीफ नहीं थी, दुश्मन को अंदाजा नहीं था बामसेप क्या करने वाला है। दुश्मन को लगा कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों में काम करेगा, बुद्धिजीवी लोगों में काम करेगा, इससे अलावा कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही बामसेप तीसरे बिंदु के ऊपर काम करना शुरू किया और इस देश में मास बेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही बम से खड़ा करना शुरू किया, आज दुश्मन डरा हुआ है और दुश्मन आज हम लोगों का विरोध खुलेआम तौर पर कर रहा है। मेरे नेतृत्व में गुजरात में परिवर्तन यात्रा थी 35 दिन की और 22 तारीख को उसका समापन था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गुजरात में हमारी 22 तारीख की परमिशन नकार दी, नकार ही नहीं थी बल्कि मुझे और वामन मेश्राम साहब को कस्टडी में डाला गया, जेल में डाला गया, हम 24 घंटे कस्टडी में रहे। आज दुश्मन हमारे बोलने के ऊपर पाबंदी ला रहा है। क्यों? क्योंकि बामसेप अब मास बेस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर रहा है, बामसेप अब जनता का संगठन खड़ा करने जा रहा है। जब जनता का संगठन खड़ा करने जा रहा है, अभी उनको मिर्ची लग रही है क्योंकि 6 लाख गांव में अगर जनता का संगठन खड़ा हो जाए तो इस देश में तीसरा विकल्प खड़ा होगा और तीसरा विकल्प खड़ा करने की और अभी बामसेप दिशा में बढ़ चुका है। इसलिए बामसेप ने करीबन 61 ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उनमें से मैं 3 ऑर्गेनाइजेशन का मैं राष्ट्रीय प्रभारी हूँ, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा और भारतीय युवा मोर्चा। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश भर में खड़ा करने के लिए मैं दिन रात घूमते रहता हूँ। आज 12 साल से बामसेप का पूर्णकालीन प्रचारक के तौर पर काम कर रहा हूँ 2006 से। साथियों, जो बातें आप लोगों के सामने बताई जा रही है कि अभी जनता का संगठन खड़ा करने के लिए बामसेप ने प्लान बनाया और निर्णय लिया कि हमारे समाज में 6,743 जातियां हैं, हम जातियों में बटे हुए लोग नहीं, बांटे हुए लोग हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस परिवर्तन यात्रा के दौरान हम 6,743 जातियों में भाईचारा निर्माण करेंगे और भाईचारा निर्माण करके एक संचय शक्ति का निर्माण करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, ये बहुजन क्रांति मोर्चा हम लोगों ने एक मंच क्यों बनाया? ये कोई संगठन नहीं है बहुजन क्रांति मोर्चा, ये प्लेटफॉर्म है मूल निवासी बहुजन समाज का। इसका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ना ही इसका राज्य अध्यक्ष रहने वाला है और ना ही इसका जिला अध्यक्ष रहने वाला है। ये मंच है लाखों संगठनों को इकट्ठा करने की। आज भारत में 7,20,000 गांव है और हर गांव में एक संगठन है। ऐसे लाखों संगठन हमारे समाज में निर्माण हुए,
ये लाखों संतन निर्माण होने की वजह से क्या हुआ? समाज का समय डिवाइड हो रहा है, समाज का बुद्धि डिवाइड हो रही, समाज का पैसा डिवाइड हो रहा है, जिस वजह से राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा नहीं हो रहा है, जिस वजह से राष्ट्रव्यापी साधन और संसाधन हम लोग निर्माण नहीं कर पा रहे अपने आजादी के लिए। लाखों संगठन है और लाखों संगठनों में टाइम टैलेंट मनी डिवाइड हो चुका है। हम लोगों ने निर्णय लिया कि इन लाखों संगठनों को अगर हम लोग एक मंच पर अगर लाते हैं, और मंच पर लाने के लिए बामसेठ ने एक देशव्यापी मंच तैयार किया, देशव्यापी प्लेटफॉर्म तैयार किया, उसका नाम है बहुजन क्रांति मोर्चा। हम उन लाखों संगठनों को एक बात समझा रहे हैं, शायद आपके और हमारे मतभेद हो सकते हैं, आपके संगठन के और हमारे मतभेद हो सकते हैं, आपके और हमारे व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, संगठन चलाने वाले लोगों के और वामन विश्राम जी के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज देश की हालात और परिस्थिति इतनी गंभीर है कि आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। आप लोग संगठन कब चलाओगे? संगठन तभी चलाओगे जब संविधान जीवित रहेगा। संविधान में आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है, संगठन बनाने का अधिकार, शांतपूर्ण तरीके से सभा लेने का अधिकार, लोगों को जगाने का अधिकार, रैली निकालने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये संविधान में लिखा हुआ है। संविधान जीवित रहेगा तो आर्टिकल 19 जीवित रहेगी, आर्टिकल 32 जीवित रहेगी। अगर संविधान ही खत्म हो गया तो आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगी, तो संगठन कहां से चलाओगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके और हमारे मतभेद हो सकते हैं, सांगठनिक मतभेद हो सकते हैं, व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संविधान खतरे में है, यह हम सब लोगों की समस्या है। संविधान खतरे में है, यह हम सब लोगों की समस्या है। संविधान को माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताओ हमारी सुरक्षा क्या है? संविधान हमारी सुरक्षा है। अगर संविधान ही अगर खत्म हो जाए तो हमारी सुरक्षा खत्म हो जाए, और वो लोग हमारी सिक्योरिटी खत्म करना चाहते, हमारी सुरक्षा खत्म करना चाहते, जिसके बदौलत हम लोग समाज में जी रहे हैं, चल रहे हैं, वही वो खत्म करना चाहते हैं। इसलिए संविधान ये समाज की समस्या है, कॉमन समस्या बन चुकी है, जो आज खतरे में है। इसको बचाने के लिए हम लोग उन लाखों संगठनों का आह्वान कर रहे हैं कि आप मतभेद भुलाकर बहुजन क्रांति मोर्चा नाम का जो मंच, एक देशव्यापी मंच बनाया गया है, इस मंच पर आप अपना डंडा, झंडा और एजेंडा बरकरार रखिए, वो छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना डंडा बरकरार रखिए, झंडा बरकरार रखिए, एजेंडा बरकरार रखिए, हम भी अपना डंडा, झंडा, एजेंडा बरकरार रख रहे हैं, आप भी अपना डंडा, झंडा, एजेंडा लेकर आइए, हम भी अपना डंडा, झंडा, एजेंडा लेकर एक मंच पर जब आएंगे तो एक ताकत बन जाएगी, और जब एक ताकत बन जाएगी तो इस देश में एक संचय शक्ति का निर्माण होगा, और जैसे ही संचय शक्ति का निर्माण होगा तो हम लोग इस देश में तीसरा विकल्प खड़ा कर सकते हैं, इस देश के हुक्मरान हो सकते हैं। इसलिए साथियों, ये बहुजन क्रांति मोर्चा की परिवर्तन यात्रा है। मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूं कि वो लोग संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं। साथियों, संविधान जो निर्माण हुआ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परिश्रम से, मेहनत से, त्याग और समर्पण से, हमारे महापुरुषों के त्याग और समर्पण से जो संविधान का निर्माण हुआ, संविधान निर्माण होने के पहले की मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहता हूं, ताकि आपको अंदाजा आए कि आखिरकार क्या घटनाएं घटित हुई थी, जिसकी बदौलत साथियों इस देश में हम लोगों को इतने अधिकार मिले। साथियों, 2 सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी और बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण बना। उसके बाद में संविधान सभा का चुनाव हुआ और गांधी जी और कांग्रेस के लोगों ने ऐलान किया कि मिस्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। बाबा साहब अम्बेडकर बॉम्बे से चुनाव हारे, ये गांधी और कांग्रेस के लोगों ने, नेहरू ने बाबा साहब को हराया,
चुनाव प्रचार का क्राइटेरिया 2000 रुपये था, नेहरू ने 25,000 रुपये खर्चा किए, जो वर्तमान के 2.5 करोड़ है। और जो दुनिया का विद्वान व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके सामने चौथीपास व्यक्ति को खड़ा किया, चौथीपास व्यक्ति चुनाव जीत गया और दुनिया का विद्वान व्यक्ति चुनाव हार गया, संविधान सभा का चुनाव। बंगाल में फजलुल हक की प्रजा दशक पार्टी थी, वहां पे 2 कैबिनेट मंत्री थे, एक जोगेंद्रनाथ मंडल और एक मणि, और जोगेंद्रनाथ मंडल ने चिट्ठी लिखी बाबा साहब अम्बेडकर को कि बाबा साहब आप बंगाल आइए, हम आपको चुनवा कर भेजते हैं। बाबा साहब बंगाल गए, 4 जिला से चुनाव जीत कर गए, खुलना, जसोर, फिरोजपुर, बोरिसा, जैसे ही 4 जिला से चुनाव जीत कर गए, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में भेजने वाले अगर कोई लोग है तो वो नमशुद्धाय लोग है, मुस्लिम लोग है, बंगाली लोग है, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजा। आज जो अधिकार जो हम लोगों को मिले हैं, ये बंगाल की बदौलत है। जिन 4 जिला से बाबा साहब चुनाव जीत कर गए, गांधी जी ने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र के तहत वो 4 जिले गांधी जी ने पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान बनने का क्राइटेरिया बना था कि जहाँ पे 51% हिंदू होंगे वो एरिया भारत में रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ से चुनाव जीत कर गए थे वहाँ पे 71% हिंदू थे, वो एरिया भारत में रहना चाहिए था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की सदस्यता को खत्म करने के लिए वो 4 जिले पाकिस्तान में दे दिए। बाबा साहब की सदस्यता पाकिस्तान चली गई और बाबा साहब शरीर से भारत में थे। और गांधी ने कहा था, मिस्टर अम्बेडकर अगर आपको संविधान लिखना है तो पाकिस्तान का लिखिए, अगर आपको संविधान लिखना है तो पाकिस्तान का लिखिए। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐलान किया कि मैं ऐसे किसी भी संविधान को मान्यता नहीं दूंगा जो हमें संविधानिक सुरक्षा ना दे, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड ना दे, ऐसे किसी भी संविधान को मैं मान्यता नहीं दूंगा। ऐसा ऐलान बाबा साहब अम्बेडकर ने करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, 2 लोग मर गए, 5 लोग रह गए, 2 लोग विदेश चले गए, 3 लोग रह गए, 1 की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आता था, 2 लोग रह गए, और 1 दिल्ली से दूर रहता था इसीलिए नहीं आता था। अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण किया और हम लोगों को मौलिक अधिकार दिए। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये कहानी बंगाल के लोगों के साथ जुड़ी हुई है। जो बंगाल के लोग पाकिस्तान चले गए, पूर्व भारत के और पश्चिम भारत के जो लोग आए, पूर्वी भारत के बंगाल के, पश्चिम भारत के, पंजाब साइड के, जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनवा कर जीत कर जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजा, उन लोगों के साथ इन ब्राह्मणवादी लोगों ने क्या किया। आज भी तथागत आजादी के 71 साल भी बाद भी वो लोग आज भारत में शरणार्थी करके जी रहे हैं। कुछ लोग जंगल की ओर चले गए, उनको जानवर ने कुछ लोगों को खा लिया। कुछ लोगों को ये सुंदरवन जो है वहां पे करीबन 25-30 हजार लोगों को मारा गया जब कम्युनिस्ट की सरकार थी। यानी जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को साथ और सहयोग दिया, उन लोगों के साथ इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, ये बातें बंगाली लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और ये बातें खास करके SC ST OBC के लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि बंगाल के लोगों का कितना त्याग और समर्पण था, जो आज वर्तमान में SC ST OBC और माइनॉरिटी को अगर संविधानिक अधिकार मिले हैं तो ये बंगाल के लोगों की बदौलत है। साथियों, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिए, सिटीजनशिप का अधिकार दिया ब्राह्मणों को भी है,
बंगाल के लोग भारत के मूल निवासी होने के बावजूद भी आज शरणार्थी करके जी रहे हैं। मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है, बंगाली लोगों को घुसपैठिया कहा जाता है। मैं जिस एरिया का हूँ, महाराष्ट्र से चंद्रपुर जिला मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, और चंद्रपुर में सबसे ज़्यादा बंगाली लोग हैं। बंगाली का एक कैंप है, नाम ही है बंगाली कैंप करके। शायद यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोगों के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। महाराष्ट्र चंद्रपुर जिला मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। जिन लोगों ने जो त्याग और समर्पण किया, उस लोगों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार किया, ये बातें एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। और ये जानकारी लोगों के पास ना होने के वजह से आज एससी एसटी ओबीसी और बंगाली लोगों का कोऑर्डिनेशन सही तरीके से नहीं हो रहा। इसलिए भामसेठ 2003 में जब भामसेठ का जब राष्ट्रीय अधिवेशन बॉम्बे में था, तब साथियों भामसेठ के राष्ट्रीय अधिवेशन में ये सिटीजनशिप का जो सब्जेक्ट था, राष्ट्रीय अधिवेशन में भामसेठ ने लगाया, और शायद उसके बाद में बंगाली लोगों को घुसपैठिया बोलना बंद हुआ। 2003 का जो सिटीजनशिप का जो कानून, ये जो बातें जो आप लोगों को बताई जा रही है, इतनी गंभीर बातें हैं कि संविधान में मौलिक अधिकार है, लेकिन आज वर्तमान में देश की हालात और परिस्थिति इतनी गंभीर है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। लोकतंत्र अभी लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र एक जाति के नियंत्रण में चला गया और ब्राह्मण जाति के नियंत्रण में चला गया। आज लोकतंत्र ब्राह्मण तंत्र प्रस्तावित हो चुका है। संविधान में अधिकार है, 15(4), 16(4) में नौकरी का अधिकार है। संविधान को बगैर हाथ लगाए प्राइवेटाइजेशन लाया 1990 में एलपीजी, और आज शिक्षा महंगी कर दी, और आज हम अपने बच्चों को हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं दे सकते। 2009 में राइट टू एजुकेशन का कानून बनाया, क्लास 1 से 8वीं तक एग्जाम खत्म कर दिया। एग्जाम खत्म तो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो मेरिट डेवलप नहीं होगा, मेरिट डेवलप नहीं होगा उधर कॉम्पिटेटिव एग्जाम निश्चित करते। संविधान में अधिकार है, लेकिन बगैर हाथ लगाए अधिकार खत्म कर दिया। शिक्षा का अधिकार 50 के पहले नहीं था, संविधान में आर्टिकल 21(3)-35 में शिक्षा का अधिकार है, लेकिन शिक्षा महंगी कर दी। आज डॉक्टर बनना है 50 लाख रुपए, वकील इंजीनियर बनना है लाखों रुपया लगता है, कहां से लाएगा मजदूर? आज अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकता, वकील नहीं बना सकता, इंजीनियर नहीं बना सकता, शिक्षा महंगी कर दी। संविधान में अधिकार है, संविधान में आरक्षण है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन आरक्षण गवर्नमेंट सेक्टर में है, उसी गवर्नमेंट का प्राइवेट में रूपांतरित कर दिया, हमारा रिजर्वेशन जीरो कर दिया। इसका यह मतलब होता है संविधान हमारे समर्थन में है, लेकिन संविधान को चलाने वाले लोग वो हमारे ना होने की वजह से, इस देश के ना होने की वजह से, वो लोग संविधान का अभी तक तथाकथित आजादी के 71 साल में 5% भी उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। इस वजह से साथियों आज संविधान खतरे में चला गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र दिया, लोकतंत्र में द्विदलीय जनतंत्र दिया। द्विदलीय जनतंत्र का मतलब होता है एक सत्ता में होगा, दूसरा विरोध में होगा, लेकिन आज साथियों ये द्विदलीय जनतंत्र कांग्रेस बीजेपी के नियंत्रण में चला गया है। 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 17 साल बीजेपी ने राज किया, और कांग्रेस जाती है बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है कांग्रेस आती है। कांग्रेस भी ब्राह्मणों का दल, बीजेपी भी ब्राह्मणों का दल, कम्युनिस्ट भी ब्राह्मणों का दल, और इस प्रकार से साथियों द्विदलीय जनतंत्र आज एक जाति के नियंत्रण में चला गया, जिसकी वजह से संविधान खतरे में है। मैं और एक आखिरी बिंदु आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस परिवर्तन यात्रा का। 26 जनवरी 1950 के पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, दुनिया में कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, भारत में डॉक्टर पैदा हुआ, उस रानी की नसबंदी कर दी, और उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा प्रजा से पैदा होगा, और प्रजा से राजा निर्माण करने का अधिकार
बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया आर्टिकल 330 332 में वोट का अधिकार। वोट का अधिकार ये राजा बनने का अधिकार है। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। वन मैन वन वोट का अर्थ होता है रानी को जो अधिकार होगा वही नौकरानी को होगा, अंबानी को जो अधिकार होगा वही मजदूर को होगा। ये है वन मैन वन वोट। वन वोट वन वैल्यू का क्या अर्थ है? रानी या अंबानी के वोट के अधिकार की जितनी ताकत होगी उतनी ही ताकत मजदूर के वोट की होगी। लेकिन आज भारत में वन मैन वन वोट है, लेकिन मशीन की वजह से वन वोट वन वैल्यू आपका जीरो कर दिया, राजा बनने का अधिकार जीरो कर दिया। अभी मशीन निर्धारित कर रही है राजा कौन हो। जो बातें आपको बताई जा रही है, दुनिया में कहीं पर भी वोटिंग मशीन पर चुनाव नहीं होता, भारत में चुनाव होता है। ये एक डेढ़ घंटे समझाने वाला सब्जेक्ट है, उतना समय हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको चार उदाहरण देना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ये वोटिंग मशीन गड़बड़ी वाली मशीन। साथियों, जमीन पर बैठकर हजारों किलोमीटर दूरी का सैटेलाइट अगर हैंडल हो सकता है तो वोटिंग मशीन कोई बड़ी चीज है क्या? जब नोटबंदी हुई थी तब 2,17,000 ATM मशीन सेट किए थे कि हफ्ते में 2400 ही निकलेंगे। अगर वोटिंग मशीन अगर सेट हो सकती है तो क्या ATM मशीन अगर सेट हो सकती है तो क्या वोटिंग मशीन नहीं हो सकती? पेट्रोल पंप पर चिप लगाकर पेट्रोल चुराया जा रहा है तो हमारा वोट नहीं चुराया जा सकता? एक मोबाइल है एंड्रॉइड मोबाइल, अगर एंड्रॉइड मोबाइल का प्रोग्रामिंग दूसरा मोबाइल में अगर देना है तो छापिया है, जेंडर है, शेरिट है, ब्लूटूथ है, मेल है, प्रोग्राम ट्रांसफर होता है पता नहीं चलता। अगर प्रोग्राम ट्रांसफर हो सकता है तो वोट ट्रांसफर नहीं हो सकता? अगर मोबाइल में मैंने किसी का नंबर अगर कॉल फॉरवर्डिंग पर लगा कर रखा, कोई व्यक्ति मुझे कॉल कर रहा है लेकिन मैंने जिस नंबर पर कॉल फॉरवर्ड करके रखा कॉल उसी को जाएगा। आप दो बार करोगे दो बार जाएगा, पांच बार करोगे पांच बार जाएगा, दस बार करोगे दस बार जाएगा। अगर कॉल फॉरवर्ड हो सकता है तो क्या वोट फॉरवर्ड नहीं हो सकता? साथियों, ये वोटिंग मशीन जो है ये गड़बड़ी वाली मशीन है, इससे जनता की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये जनता के साथ धोखाधड़ी है। ना आदिवासी की समस्या का समाधान हुआ, ना SC की समस्या का समाधान हुआ, ना OBC की समस्या का समाधान हुआ, ना माइनॉरिटी की समस्या का समाधान हुआ, ना बंगाली लोगों की समस्या का समाधान हुआ। ये वोटिंग मशीन गड़बड़ी वाली मशीन है। समाधान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस और BJP के लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जनता के वोट से चुनकर नहीं जाते, हम वोटिंग मशीन की वजह से चुनकर जाते हैं। इस वजह से हमारी किसी भी समस्या का वो समाधान नहीं हो रहा। आखिरी में एक बात आप लोगों को बताकर मेरी बात खत्म करना चाहते हैं। आज मैं जिस उम्र में हूँ, मेरी अभी पढ़ाई चल रही है, मैं छात्र हूँ, मैं जिस उम्र में हूँ उस उम्र में गरीबी देख रहा हूँ, लाचारी देख रहा हूँ, भुखमरी देख रहा हूँ, झोपड़पट्टियाँ देख रहा हूँ, रोजगार खत्म हुए होते हुए देख रहा हूँ, नौकरियां खत्म होते हुए देख रहा हूँ, आरक्षण खत्म होते हुए देख रहा हूँ, संविधान चलते हुए देख रहा हूँ। मैं एक मिनट के लिए सोचता हूँ, जब आज अभी जो बच्चा 2 साल का होगा वो जब बच्चा 20 साल का हो जाएगा तब आप अंदाजा लगाइए अगर मेरी उम्र में ये सत्यानाश है तो आने वाली पीढ़ी के उम्र में कितना सत्यानाश होगा। तो क्या आपको लगता है ये परिवर्तन होना चाहिए? आवाज नहीं आ रही। आपको लगता है क्या परिवर्तन होना चाहिए? अगर आपको लगता है परिवर्तन होना चाहिए तो फिर पसीना भी अपना होना चाहिए और पैसा भी अपना होना चाहिए। आप कांग्रेस BJP से पैसे लेंगे तो उनकी बोली बोलनी पड़ेगी, अगर सरकार से पैसे लेंगे तो उनकी बोली बोलनी पड़ेगी, अगर ब्राह्मण बनियों से पैसे लेंगे तो उनकी बोली बोलनी पड़ेगी, या टाटा बिरला मफतलाल अंबानी से पैसे लेंगे तो उनकी बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि बोली जनता की चलनी चाहिए, हमारे मूल्यवासी महापुरुषों की बोली चलनी चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है और ये परिवर्तन यात्रा सिर्फ फरवरी महीने तक नहीं चलेगी तो ये 2024 तक चलने वाली और 6 लाख गांव हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये परिवर्तन का रथ रुकना नहीं चाहिए तो मैं आप लोगों से ऐलान करता हूँ कि अपने पसीने का कमाई का 50, 100, 200, 500, 1000
जितना भी आप इस परिवर्तन यात्रा में देना चाहते हैं वो लोग मंच पर लाकर देंगे। इतनी बात कहते हुए आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।